जस्ट उन्होंने जैसे अपना एक क्लास टुडेज टॉपिक इस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कैसे हम देख सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल टेकिंग जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स इट इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस टू वन प्लस even x plus e zero. As we know the degree of this polynomial by definition it is n if n is not equal to 0. And we know already that n is non-negative integer or n is a whole number. We jante hain by definition n is whole number. As n is a whole number, then n is either 0 or 1 or 2 or 3 and so on. By these values, we get here classification of polynomials with respect to degree of polynomial. The first classification may hoga, classification mein jo first class hoga, simply द पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री जीरो जो पॉलीनोमियल आपके पास डिग्री जीरो की होगी दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलीनोमियल दैट इज पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री जीरो और कॉल्ड कांस्टेंट पॉलीनोमियल एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे दैट इज पी एक्स इज इक्वल थ्री पी एक्स इज इक्वल अंडर रूट 13 पी एक्स इज इक्वल टू 1/2 द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट पॉलीनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू से के बाय के इज रियल नंबर ये हमारे पास रियल नंबर है ये हमारे पास फर्स्ट क्लास आ गई इसी तरह सेकेंड क्लास अगर हम देख लेंगे तो यहां से नहीं मिलेगा इफ वी टेक वैल्यू ऑफ वन इफ द पॉलीनोमियल हैव डिग्री वन देन इट दैट पॉलीनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल सिंपली वी गिव डेफिनेशन पॉलीनोमियल इज हैविंग डिग्री वन आर कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल इज having degree one are called linear polynomial. So linear polynomial हम बोलते हैं. Example अगर हम देखेंगे that is px it is equal to 3x plus 7 px is equal to x x is equal to 1/2x minus 1. The general representation of linear polynomial is px is equal to ax plus b. A is not equal to 0. This becomes the general representation of linear polynomial. हमारे पास दो क्लासेस आ गई कांस्टेंट पॉलीनोमियल दूसरा लीनियर पॉलीनोमियल इसके बाद थर्ड क्लास होगा वो हमें इस थर्ड होल नंबर से मिलेगा दैट इज इफ वी हैव ए टू इफ डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल इज टू देन दैट पार्ट पॉलीनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल डेफिनेशन क्या होगा पॉलीनोमियल इज हैविंग डिग्री टू आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज having degree 2 जब degree 2 होगी इसमें degree 2 then is a called quadratic polynomial example अगर हम देखेंगे that is px is equal to 2x square plus 5x plus 6 px is equal to 3x square
x is equal 11x square plus 5. The general representation of quadratic polynomial is px is equal to ax square plus bx plus c. इसमें भी a is not equal to 0. ये हमारे पास general representation of quadratic polynomial होगा. The example of quadratic polynomial. It is the third class of the fourth class होगा that comes out from this whole number. That is fourth class. Polynomials having degree 3 are called cubic polynomials. Polynomials having degree 3 are called cubic polynomials. एग्जाम्पल अगर हम इसमें भी देखेंगे तो पी एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब पी एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस इलेवन द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल इज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर plus cx plus d, maybe a is not equal to 0. It is the general representation of cubic polynomial. As we discussed here, the four classes which comes out from these four whole numbers 0, 1, 2 and 3, polynomials having degree 0 are called constant polynomial. Polynomials having degree 1 are called linear polynomial. Polynomials having degree 2 are called quadratic polynomial. इसी तरह polynomials having degree 3 are called cubic polynomials. And इसके बाद next whole number is 4. Those polynomials having degree 4 are called biquadratic polynomials. And polynomials of degree 5 इसके बाद आएगा, they are called polynomials of degree 5 and so on. इस तरह हमारे पास बहुत सारी classes पॉलीनोमियल्स मिलेंगे विद रेस्पेक्ट टू द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल. अब यहाँ पे रिमेम्बर एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू. नोट इफ ए एन is equal to an minus 1 is equal to a so on up is equal to a1 is equal to a0 all are 0. Then the general representation of polynomial, the coefficients of x raised power n, coefficient of x raised power n minus 1 so on up to coefficient of x and constant of all are 0, then we get polynomial px is equal to 0 polynomial. जीरो पॉलीनोमियल दैट इज डेफिनेशन क्या होगा जीरो पॉलीनोमियल का इफ ऑल द कोएफिशिएंट्स इन ए गिवन पॉलीनोमियल आर जीरो देन दैट पर्टिकुलर पॉलीनोमियल इज कॉल्ड जीरो पॉलीनोमियल एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. सिंपली इफ वी सी हियर इन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीनोमियल इफ वी टेक एन जीरो एन माइनस वन जीरो ए वन जीरो a 0 is 0, then it becomes 0 polynomial. The degree of 0 polynomial is not definite. And हमारे पास 0 polynomial आ गया और इसकी degree हमारे पास definite नहीं है. इसके बाद हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को देख लेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा. थैंक यू.